Hello, Assalam-o-Alaikum, Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Mr. Tabass. Students, we're starting a new chapter today, which is Chapter Eight: Economic Development. Let's start and see what this chapter mein kya hai. Okay, Chapter Eight: Economic Development. पाकिस्तान की मीशत ने कैसे डेवलपमेंट शो की ओवर द ईयर्स जैसे ही पाकिस्तान को आजादी मिली उसके बाद से लेके टिल टुडे दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इन दिस चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक वी ऑलवेज डू वाई जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स के आपके नजदीक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है एक्सलेंट नाउ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जब गुड्स एंड सर्विसेज इनकी डिवेलपमेंट या प्रोडक्शन इनका नंबर इनकी अमाउंट इंक्रीज करती है तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हमारी मीशत विच इज आर इकोनॉमी ये डिपेंड करती है ऑन द मनी विच इज जनरेटेड एट द नेशनल लेवल सो अगर हम इसको टर्म करें तो इसको हम नेशनल इनकम कह सकते हैं कि सारी पॉपुलेशन को जो वर्किंग क्लास है या जनरली एज अ कंट्री उसको कंबाइन करके अगर कर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जनरली क्या अर्न करती है पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इट टुक प्लेस इन इराज हम इसको डिस्कस करते हैं सेग्रीगेट करके इन फर्स्ट इरा हम लेते हैं फोर्टी सेवन टू फिफ्टी देन फिफ्टी टू सिक्स फर्स्ट पीरियड था 1947 से 1950 का ये वो टाइम था जब पाकिस्तान नया नया बना था बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन और पाकिस्तान को इकॉनमी के साथ साथ अपनी मीशत के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और इश्यूज थे जिनको ओवरकम करना पड़ रहा था वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इन द अर्लियर क्लासेस एंड अर्लियर लेक्चर्स आज हम बात करते हैं सिर्फ मीशत से रिलेटेड सो यस मुल्क के लिए एक नए मुल्क के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज और अपनी मीशत को संभालना बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट मरला होता है उस मरले को जब पाकिस्तान ने तय करना था तो सबसे पहला जो इश्यू आया वो ये आया कि इनसफिशिएंट शेयर रिसीव्ड पाकिस्तान ने डिविजन के बाद जब अपना शेयर रिसीव किया ऑफ द इकोनॉमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द मनी वो बहुत कम था दैट वॉज नॉट गिवन इन द प्रॉपर शेयर मेजर इनकम वॉज एग्रीकल्चर पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो जो सोर्स ऑफ इनकम थी उस वक्त वो भी एग्रीकल्चर थी क्योंकि दैट वॉज द इजिएस्ट वे टू अर्न मनी दरिया थे खेती बाड़ी थी उससे दे यूज टू अर्न मनी ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैंडल्ड बाय नॉन मुस्लिम इसका रीजन क्या था इसका रीजन ये था कि पार्टीशन होने से पहले जो ट्रेड और इंडस्ट्री थी जो कारोबार था उसको नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान जो थे वो डील करते थे मोस्टली हिंदूज थे या ब्रिटिशर्स थे या कोई और भी आप ले लो माइनॉरिटी वो लोग इन्वॉल्व थे इसका क्या नतीजा निकला इसका इफेक्ट ये निकला कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान को उनका शेयर देना था इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेड तो वो पाकिस्तान को प्रॉपर नहीं मिल सका बिकॉज सिंस दे वर बाय नॉन मुस्लिम्स तो उन्होंने मुसलमानों के साथ ये ज्यादा की और प्रॉपर शेयर पाकिस्तान को नहीं मिला इफ यू रिकॉल तो डिफेंस सिस्टम में भी कोई शेयर नहीं मिला था कोई ऑर्डन फैक्ट्री नहीं मिली थी जितने भी टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनमें से सिर्फ इलेवन इंडस्ट्रियल यूनिट्स पाकिस्तान को दिए गए थे सो so, एक नया मुल्क अपनी मैशत को बनाना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली केटर करना इन चीजों के लिए ना पैसा था उस वक्त ना प्रॉपर इनकम थी इसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स उठाए क्या इकदाम किए कैसे अपनी इकोनमी को बेहतर बनाया उस पर नजर डालते हैं नाउ अब इसके लिए क्या किया इसके लिए सबसे पहला काम यह हुआ कि जो पार्टीशन हुई तो द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ मैन काइंड टू प्लेस हजारों की तादाद में लोग इंडिया की साइड से पाकिस्तान आए विच व पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट उन लोगों में ट्रेडर्स भी थे कारोबारी लोग भी थे सो दीपल एंड ट्रेडर्स दे माइग्रेटेड और जो मेजर सिटी बना जो ट्रेड सेंटर बना वो था कराची कराची बिकेम द ट्रेड सेंटर क्यों क्योंकि जब कारोबारी लोगों ने वहां पर अपना ट्रेवल करके अपने आप को सेटअप किया तो सी रूट अरेबियन सी दैट वॉज वेरी नीयर और वहां से आगे ट्रेवल करना और अपनी एक्सपोर्ट्स को या अपने कारोबार को बढ़ाना आसान so, इस वजह से फ्रॉम द स्टार्ट ही कराची बिकेम द ट्रेड सेंटर 1947, 1947 में इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड एक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की गई और इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया गया कि दे वुड बी इंडस्ट्रियल यूनिट्स दैट वुड बी सेट अप सो ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स एग्जांपल जूट कॉटन लेदर एक्सेट्रा अब उस कॉन्फ्रेंस में ये बात डिसाइड की गई कि इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किए जाएंगे लेकिन वाइज डिसीजन वॉज कि ये वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे जो रॉ मटेरियल पे बेस करते होंगे रॉ मटेरियल जैसे जूट हो गई कॉटन हो गई लेदर हो गई इन चीजों पे बेस करके इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किए जाएंगे और टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए कि लोग पैसा लगाएं और इकोनॉमी बेहतर बने उसके लिए इंडस्ट्रियल बोर्ड इन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन वो सेटअप सो ये दो बेसिक सेटअप थे जो किए गए तो जैसा कि आपको समझ आ रहा है इनिशियल थ्री ईयर्स मुल्क अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी डिवेलप हो रही है तो ये कुछ अच्छे इकदाम थे जो किए गए जिनमें आपने एडमिनिस्ट्रेशन भी हैंडल की कुछ बोर्ड्स बनाए कुछ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बनाई इसके बाद जो अगला इरा था वाज़ द सेकंड पीरियड इट वाज़ 1950 टू 60, 1950 से 1960 का इसमें देखते हैं कि क्या हुआ

जब वॉर खत्म हुई तो रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस गिर गईं और इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेगेटिवली इंपैक्ट किया जो कि अभी लड़खड़ा रही थी और प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई थी 1952 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो सेटअप उन्नीस में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो सेटअप और इसने इट इन्वेस्टेड in इन सीमेंट पेपर स्वीगैस इन जो सेक्टर्स हैं इनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया सो so, जो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन थी वो 11.9 परसेंट हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर GDP, तो की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कंट्री की इकोनॉमी में क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो 11.9 परसेंट राइज आया और कंट्रीब्यूशन आई इंडस्ट्रियल फील्ड की तरफ से जो कि पहले सिर्फ एग्रीकल्चर से आ रही थी तो फर्स्ट एरा में ओनली एग्रीकल्चर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेकेंड एरा में थोड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया गया तो इस वजह से जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा और इलेवन हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से अब बारी आई किसकी अब बारी आई ऐसी प्लानिंग की बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है तो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जब तक आप ये देखोगे नहीं कि कैसे आप अपने मुल्क को बेहतर बना सकोगे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दू छोटी सी दैट यू एज अ पर्सन हैज टू स्टार्ट योर बिजनेस सबसे पहले क्या सोचोगे एक्सिलेंट पैसा कि बिजनेस सेटअप करने के लिए चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा सो दैट इज वॉट यू नीड टू प्लान फॉर और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया द फर्स्ट फाइव ईयर डेवलपमेंट प्लान और ये पांच साल का प्लान था जो पहला स्टार्ट हुआ फर्स्ट अप्रैल 1955 से और एंड हुआ थर्टी जुलाई 1960 को इस प्लान में जो वॉल्यूम प्रोजेक्ट किया गया कि इतने पैसे और इतना वॉल्यूम होगा इतनी अमाउंट होगी दैट वाज रुपीज वन थाउजेंड एटी करोड़ इतने पैसों का ये प्लान प्रोडिक्ट किया गया कि दिस इज वॉट द पाकिस्तान इकोनॉमी गोइंग टू अर्न इन फाइव ईयर इसमें ऐसा हुआ भी कुछ चीजें अचीव हुई कुछ नहीं अचीव हुई जो अचीव हुई वो ये थी कि देर वॉज इलेवन परसेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम नेशनल इनकम इंक्रीज की क्योंकि आिस्ता आहिस्ता जहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ रही थी वहां इंडस्ट्रीज जो सेटअप हुई थी वो भी कंटिन्यू कर रही थी टूवर्ड्स डेवलपमेंट थ्री परसेंट पर कैपिटल इनकम इंक्रीज पर कैपिटल इनकम के इंडिविजुअली थ्री परसेंट इंक्रीज आई नेशनल सेविंग्स डिक्रीज लेकिन जो नेगेटिव इंपैक्ट आया वो ये आया कि नेशनल सेविंग डिक्रीज कर गई पेपर कार्डबोर्ड फर्टिलाइजर केमिकल ये वो इंडस्ट्रीज थी जिनको सेटअप किया गया जिनमें इन्वेस्टमेंट की गई सो फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज इन इम्पोर्ट इनक्रीज पाकिस्तान से बाहर भेजे जाने वाली चीजें एक्सपोर्ट्स ये डिक्रीज हुई ये कम हुई और जो बाहर से अंदर मंगवाई गई द इम्पोर्ट्स ये बढ़ गई अब जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा था तो इम्पोर्ट करके ही चीजें इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप क्योंकि पाकिस्तान के अपने पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त था नहीं है सच जो था वो बहुत कम था अब ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो नेशनल सेविंग डिक्रीज की वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का जो नेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो खराब हुआ देर वॉज अ डेफिसिट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फोर करोड़ चौबीस करोड़ रुपयों का डेफिसिट डेफिसिट मतलब कमी वो आ गई बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहा प्रोजेक्शन थी एक हजार अस्सी करोड़ कहां डेफिसिट आया और चौबीस करोड़ रुपयों का जो था वो कमी आ गई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कुड नॉट भी इंक्रीज जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई वहां एग्रिकल्चर सेक्टर में कोई डिवेलपमेंट नहीं हो पाई और क्रॉप की प्रोडक्शन तो जी डी पी को कॉन्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स या एग्रीकल्चर की तरफ से कोई नहीं हो पाई तो जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था एट द एंड दिस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फेल्ड ये फेल हो गया क्योंकि इससे जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो सकें बिकॉज पोलिटिकल चेंजेस भी थी उस वक्त और जो फोकस था वो फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ और एग्रीकल्चर की तरफ नहीं था हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो इट वॉज मोर फोकस करते एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में सोन दर्ड पीरियड थर्ड पीरियड था उन्नीस सौ साठ से उन्नीस सौ सत्तर का दिस वॉज दीरियड खान जनरल खान ही टीज हैंड्स उन्होंने संभाला अयूब खान इरा वॉज नोन एज द डेकेड ऑफ डिवेलपमेंट इसको डेड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था जो सबसे पहला काम अयूब खान ने किया वो आके ये किया कि ही पनिश द स्मगलर्स द होर्डर्स एंड द ब्लैक मार्केटियर्स मार्किटियर्स जितने भी लोग इीगल तरीके से पाकिस्तान में उस वक्त कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको सजा दी गई देर वॉज अ डाउनफॉल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड रैपिड इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो डेवलपमेंट थी उसमें कमी आई और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें रैपिड इंक्रीज आई एकदम स्पीड पकड़ी उसने अपनी डेवलपमेंट में क्योंकि फोकस अयूब खान ने चेंज कर दिया फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू एग्रीकल्चर क्यों क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और आपको फोकस करना चाहिए टूवर्ड वॉट इज स्ट्रॉग पॉइंट ऑफ योर इकोनॉमी सो येस ही चेंज द फोकस टू एग्रीकल्चरल सेक्टर अब आया द सेकंड फाइव ईयर प्लान ये फाइव ईयर प्लान 1960 से 1965 तक का था 1960 से 1965 तक का इसमें जो वॉल्यूम प्रोडिक्ट किया गया दैट वॉज रुपीज नाइनटीन हंड्रेड करोड़ और सिर्फ 1961 में ही ये वैल्यू 23 करोड़ तक चली गई नेशनल इनकम इंक्रीज 30 परसेंट तीस फीसद नेशनल इनकम में राइज आया इंडस्ट्रियल फील्ड में 40 परसेंट इंक्रीज आया 40 परसेंट एक्सपोर्ट इंक्रीज 7 परसेंट जहां एक्सपोर्ट में पहले फाइव ईयर प्लान में कोई एडिशन नहीं था बल्कि डिक्रीज़ हो गई थी यहाँ पे सेवन परसेंट इंक्रीज आई सो कमी थी उसको पहले पूरा करके बैलेंस किया और फिर उसके ऊपर फर्दर इंक्रीज आई विच वॉज से उसमें जो प्रोडिक्शन थी उसने उसको सरपास किया और अपने किए और पाकिस्तान की इकॉनॉमी टुक द शेप ऑफ डेवलप्ड इकॉनमी उसने अपनी एक शेप पकड़ना शुरू की एन पाकिस्तान बूम्ड इन द इकोनॉमिकल एरिया इस सेकेंड फाइव ईयर प्लान को देखते हुए थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था वो प्रपोज किया गया उस प्लान में इट वॉज प्लान फॉर सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी उन्नीस सौ पैंसठ से उन्नीस सौ सत्तर तक का था इसमें प्रॉब्लम जो प्रोडिक्ट था वो था रुपीज फिफ्टी टू हंड्रेड करोड़ इस थर्ड ईयर फाइव प्लान में इंडस्ट्रियल फील्ड में नाइन परसेंट इंक्रीज आया लेकिन इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप ऑफ फोर परसेंट एंड इन्वेस्टमेंट जो पैसे लगा रहे थे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप आई फोर परसेंट की चार परसेंट का डिक्रीज आया एग्रीकल्चरल फील्ड डेवलप फोर पॉइंट फाइव परसेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में डिवेलपमेंट तो हुई लेकिन पिछले सेकेंड ईयर प्लान से कम हुई और जो एक्सपोर्ट थी वो इंक्रीज की सात परसेंट तक सो अगर आप कंपेयर करो तो फर्स्ट फेल था सेकेंड सक्सेसफुल हुआ जिसकी बे, बेस पे थर्ड बनाया गया लेकिन थर्ड प्लान अनसक्सेसफुल रहा उसका रीजन ये था कि इट वॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स एंड फेवरेबल कंडीशन जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था उसको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल सकी और जो एलोकेशन थी वो प्रॉपर इनको दी नहीं गई क्योंकि जो बजट एलोकेशन होती है गवर्नमेंट के वो प्रॉपर इस सेक्टर को जब नहीं दी गई तो इसमें से वो रिजल्ट नहीं निकले जो एक्सपेक्टेड थे सो द थर्ड फाइव ईयर प्लान ऑफ डेवलपमेंट फेल्ड अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क की जो इकोनॉमी है पहले बनने की सूरत में थी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फेल हुआ लेकिन सेकेंड वॉज एक्सेप्शनली सक्सेसफुल थर्ड में रिसोर्सेज की कमी की वजह से फेलियर हुआ लेकिन उसके बावजूद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे जिनमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुई एक्सपोर्ट्स में भी डेवलपमेंट प्रोबेबली so इसने वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किया जो एक्सपेक्टेड था लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिए अब जो नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान है और जो नेक्स्ट डेकेड है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज